न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव के साथ लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा। कहा, तैयारियां रखे पूरी जिससे जीता जा सके कोरोना का जंग। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक बन रहे फोरलेन सड़क निर्माण का किया औचक निरीक्षण। संबंधित विभागों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर जनपद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस, जिसमें पिपराइच में 6, सहजनवा में 1 और बड़हलगंज में 2 केस। संक्रमितों में 9 साल की बच्ची भी शामिल। अब संक्रमितों की संख्या हुई 71। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने महानगर सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दुकानदारों को दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि लगाने के बारे में किया जागरूक। तिलक परेज हॉल में बने क्वारंटाइन सेंटर में प्राइज के 6, सहजनवा के 1 और बड़हलगंज के 1 केस पॉजिटिव आने के कारण तिलक मैरिज हॉल, क्वारंटाइन सेंटर और उसके दक्षिण तरफ सड़क का करीब 400 मीटर का एरिया किया गया सील। शहर का बना नया हॉटस्पॉट, किसी भी तरह की दुकानें खोलना अथवा आवागमन पूरी तरह किया गया प्रतिबंधित। गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बच्ची और 2 महिला समेत 4 लोग झुलसे। डायल 100 की टीम ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को भेजा जिला अस्पताल, चल रहा उपचार। प्रमुख सचिव सहकारिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया वर्तमान रबी विपणन वर्ष में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं दलहन तिलहन खरीद एवं विगत धान खरीद से संबंधित सीएमआर की डिलीवरी तथा आरकेवाई के अंतर्गत 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्णय की समीक्षा। कहा, गेहूं खरीद के लक्ष्य को करे पूरा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई अवस्थापना निधि की बैठक, विकास कार्यों को अविलंब पूरा करने के दिए निर्देश। जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक बनाए जा रहे फोरलेन के लिए गोरखनाथ मंदिर के समीप दोनों पटरियों को हटाया गया अतिक्रमण। एसडीएम सदर ने कहा, 80% हो चुका है काम, जल्द पूरा होगा फोरलेन निर्माण, लोगों को मिलेगा सुगम और सरल यात्रा का लाभ। महवा मंडी में रोस्टर के विपरीत दुकान खोलने को लेकर दुकानदारों में मंडी समिति के कार्यालय में हुई गाली गलौज। मंडी इंस्पेक्टर ने दी रिपोर्ट। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी और त्रिलोकी नाथ एंड कंपनी के मालिक नहीं मानते मंडी समिति के आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, दोनों पक्षों में हुए विवाद का आपस में हुआ सुलह, मंडी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर होगा अग्रतर निर्णय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशक ने किया समीक्षा बैठक। खरीफ वर्ष 2021 के अनुकरणीय मानक प्रजाति प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के निर्धारण हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर गुरुवार को 33,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंचे 29 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। पूरा डिटेल लोड करने के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके जिलों को किया गया रवाना। ट्रक की ठोकर से क्षतिग्रस्त हुआ मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का प्रतिमा। नगर आयुक्त ने कहा, जल्द भव्य रूप से स्थापित होगा फिराक की प्रतिमा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक पार्षद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, नगर निगम के 70 वार्डों में बनाई गई है निगरानी समिति। महानगर में छुट्टा पशुओं के धरपकड़ के लिए नगर निगम की गौ संरक्षण केंद्र वाहन के द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने का चलाया जा रहा है अभियान। आवारा पशुओं को पकड़कर वाहनों में लाद कर भेजा जा रहा है गौ संरक्षण केंद्र। राष्ट्रीय बंधन समिति गोरखपुर महानगर के तत्वावधान में कोरोना महामारी में रक्त की कमी ना हो इस उद्देश्य के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। और कोटेदार के द्वारा राशन वितरण में धांधली करने पर चकतेलहना। ग्राम सभा के निवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, कराया जाए जांच या जिम्मेदारों की देखरेख में हो राशन वितरण।